हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डेली नीड। और आज जो हूँ मैं ये वीडियो के ज़रिए मैं लाई हूँ कि अपने सारे कलेक्शंस वॉलेट के। सबसे पहला ये वॉलेट है, पिंक कलर का ये वॉलेट है। इसको मैंने जो है मिंत्रा से लिया था और ये कैलेफ नीरो ब्रांड का है। ये टू फोल्डेड वॉलेट है ये, बिल्कुल मैं दिखा रही हूँ कि ये पाम में फिट हो जाता है। बहुत ही छोटा सा है, हैंडी है ये वॉलेट मेरी। इसमें बहुत सारे स्लॉट दे रखे हैं अपने कार्ड या आईडी वगैरह कुछ भी रखने के लिए। ये दूसरा साइड है, यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा है। और इसको जब खोलेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारे स्लॉट्स हैं अपने कार्ड रखने के लिए, या छोटी मोटी कोई रसीद हो उसको रखने के लिए। और ये जो है बड़ा स्लॉट इसमें दिया हुआ है बड़े नोट वगैरह रखने के लिए। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वॉलेट है। और क्लच टाइप के वॉलेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने इसको लिया था। ये एक छोटा सा पाउच है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। और इसका लेदर जो है ना काफ़ी हार्ड है, लेकिन कॉइन्स वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छा है। अंदर भी एक जिप दे रखी है इसके अंदर, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आप कॉइन्स वगैरह रखते हैं चेंज वगैरह, तो ये एक पाउच बहुत अच्छा है चेंज वगैरह रखने के लिए। अब आते हैं इस वॉलेट पे। इस वॉलेट को मैंने बहुत साल पहले लिया था और बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अभी मैं अपने ऑनलाइन साइट पे ढूंढ रही हूँ कि मैंने इसको कहाँ से लिया था, तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। खैर, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे मिलेगा तो मैं लिंक डाल दूँगी। तो ये काफ़ी जो है सारे चेन्स इसमें थी, अब ये बिल्कुल डिस्कार्ड के पोजिशन पर मैंने रखा हुआ है इसको, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है। और इसमें जो है काफ़ी सारे जो हैं स्लॉट्स हैं कार्ड रखने के लिए, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। छोटी जिप वगैरह भी दे रखी है और ये बड़े नोट्स रुपीज़ रखने के लिए भी। तो ये भी पाम में फ़िट हो जाता है, मुझे पाम में फ़िट होने वाले वॉलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये एक नया मेरा परचेस था, फ्लिपकार्ट से मैंने इसको लिया था। पिको मसीमो नाम से ये ब्रांड है, उसका ये वॉलेट है। और ये नेवी ब्लू कलर का है वॉलेट, और इसमें भी काफ़ी सारे स्लॉट्स दे रखे हैं ये बड़े नोट रखने के लिए। और ये दो जिप भी यहाँ पे दी रखी है साइड में, लेकिन इसमें जब आप कुछ रखते हैं तो एक साइड से दूसरे साइड कुछ भी नहीं जाता, बीच में जो है डिवीज़न दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा वॉलेट है ये, लेदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ये जो वॉलेट आप देख रहे हैं एसेसरीज़ लंदन ब्रांड का है ये, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। मैंने गोल्डन चूज़ किया, बहुत ही स्टाइलिश ये लुक है इसका। और ये इसमें भी एक क्लच है और ये बिग नोट्स रखने के लिए है, और बाकी सब स्लॉट हैं आईडी वगैरह कार्ड रखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा ये वॉलेट लगा मुझे, मैंने इसको जो है अमेज़ॉन से लिया था। तो अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इस वजह से इसमें टैग लगा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा है, और इसमें जो लेदर भी अंदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है ये गोल्डन। और ये जो है सब छोटा सा पाउच है, कॉइन पाउच कह लीजिए, और इसमें जो है ये की लगाने के लिए भी जो है रिंग दी हुई है। इसमें आगे जो है एक जिप है और अंदर, और ये एक बड़ी जिप है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, ऐसे कहीं लोकल शॉप पे मुझे जाना होता है तो मैं कुछ इसमें जो है चेंज वगैरह रख लेती हूँ नोट के और कॉइन्स वगैरह, और मैं लेके चली जाती हूँ। तो काफ़ी हैंडी है ये पाउच, हमेशा ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े पाउच लेके हम चलें, तो ये ऐसे छोटे पाउच बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो वॉलेट देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ये ब्राउन जंगलर कोई ब्रांड है, उसका ये वॉलेट था। बहुत 2019 में मैंने इसको परचेज़ किया है, अब ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। और इसमें भी काफ़ी सारे स्लॉट्स हैं, और ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है, मतलब डबल फोल्डेड ये वॉलेट है। और इसमें जो है इस तरह आप अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, तो छोटे पाउच की तरह ये आगे वाला पोर्शन है इसका, और ऐसे ये बंद हो जाता है। थोड़ा रखे रखे ये फेड हो गया, बहुत कम मैंने इसको यूज़ किया है। ये जाओ कोई ब्रांड था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये मैंने उसी से लिया था। मैंने इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टाइट वॉलेट होते हैं ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है उसको यूज़ करने में। तो ये थोड़ा सा टाइट सा है, कुछ भी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये जूट का बना प्यारा बहुत लगता है ये वॉलेट, लेकिन यही है कि थोड़ी हार्डनेस है इसके अंदर। और अब ये जो है बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश नया परचेस है मेरा,
ये मैंने जो है फ्लिपकार्ट से लिया था। नेवस ब्रांड का ये वॉलेट है और ये इस तरह से खुलता है बिल्कुल जैसे कि एक छोटा सा पर्स हो, पाउच टाइप का। तो इसमें भी यहाँ पे जिप दे रखी है, यहाँ पे स्लॉट्स दे रखे हैं सब कार्ड वगैरह रखने के लिए। ये बीच में भी एक जिप है इसमें, ये इस तरह से बंद हो जाता है। इसको बंद करेंगे तो ये जो है ऐसे बंद हो जाएगा और पीछे भी जो है जिप दी हुई है इसमें। तो ठीक ठाक वॉलेट था ये भी। और ये आते हैं, अब ये क्लच टाइप का है, ये थोड़ा बड़ा है सारे मेरे वॉलेट में से। तो इसमें जो है हम अपने बिग नोट्स रख सकते हैं, इस तरफ जो है कार्ड वगैरह रखने के लिए है, इधर भी कार्ड रखने के लिए है, और इसमें जो है हम अपने मोबाइल रख सकते हैं। अगर आप ऐसा वॉलेट ढूंढ रहे हैं कि जिसमें आप मोबाइल भी रख सकें और लेके जा सकें, तो ये जो है अच्छा चॉइस रहेगा। और इसका लेदर भी बहुत अच्छा है, और ये बहुत दिन पहले लिया था लेकिन आज भी बिल्कुल न्यू दिखता है ये वॉलेट। तो इसको जो है अब साइड में रखते हैं, अब इस वॉलेट की तरफ आते हैं। ये जो वॉलेट है वो धाशा ब्रांड का है और इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया था। तो इसमें भी जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड वगैरह रखने के लिए स्लॉट्स दे रखे हैं। यहाँ पर कोई अपनी रिसिप्ट वगैरह रख सकते हैं आप। ये ऊपर जो है कॉइन रखने के लिए है इस वॉलेट में, इसमें देखिए कॉइन रख सकते हैं आराम से। और ये जो है इसको जब खोलेंगे तो ये बिग नोट रखने के लिए बीच में दिया हुआ है। तो इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया बिल्कुल, और ये एज इट इज़ रखा हुआ है। तो आते हैं मेरे सबसे फेवरेट वॉलेट की तरफ। तो ये जो है एक पर्स है, छोटा सा वॉलेट पर्स जो भी कह लीजिए, और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है ये वॉलेट। और इसमें ये ब्रांड जो है रेने का है और इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया था। बीच में जो है इसमें एक स्लॉट दे रखा है कॉइन वगैरह रखने के लिए, आगे पीछे दोनों जो है जिप है इसमें। बस इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि इसमें मोबाइल हम नहीं रख सकते, मोबाइल रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। छोटे मोबाइल शायद आ जाएँ लेकिन ये बड़े मोबाइल्स इसमें नहीं आ पाते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये वॉलेट जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आप अपनी मदर को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट वॉलेट है। ये मेरे पास एक ट्रैवल पाउच है और ये बहुत ही हैंडी है, और इसमें जो है स्लॉट्स छोटे छोटे दे रखे हैं। इसमें आप काजल, लिपस्टिक वगैरह और आईलाइनर वगैरह जो पतले आते हैं वो सब लगा के रख सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे डिवाइडर दे रखे हैं छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए। तो ऊपर और साइड दोनों साइड से ये खुल जाता है अपने इजी एक्सेस के लिए, तो काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट भी बहुत है ये। ये एक मेरे पास मेकअप पाउच है, काफ़ी स्टाइलिश मेकअप पाउच है ये। इसकी प्रिंट बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी थी और काफ़ी सारे इसमें सामान आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये भी उसी तरह का है, ये मिनीसो से मैंने लिया था। ये भी बहुत स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा है ये। तो इन दोनों को मैं जो है कहीं कहीं जाती हूँ तो लेके जाती हूँ। तो ट्रैवल पाउच ये मेरे पास तीन थे, तो यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से। तो आज का रहा ये सारे मेरे कलेक्शंस, आप लोगों को कैसा लगा और कौन सा मेरा वॉलेट सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ बताइएगा। मैं लिंक सबका देने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया मेरे सारे वीडियोज़ को देखने के।